जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे। और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे एथलेटिक्स के ऊपर, तो आइए चलते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं कि एथलेटिक्स क्या है, कब शुरुआत हुई। हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, हम टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करेंगे, ठीक है। जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा और ये भी अगर मैं डिस्कस करूँ तो मुझे हो सकेगा तो दो पार्ट में बनाना पड़ेगा, एक ट्रैक का अलग है और एक फील्ड इवेंट्स का अलग। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी करते वक्त वीडियो को। आई होप सो कि सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। एथलेटिक्स ट्रैक एंड इवेंट, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, ठीक है। सबको ये पिक्चर दिख रही है, हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक एंड इवेंट फील्ड ऑफ कर देंगे, ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट और ये फील्ड इवेंट, ठीक है। ट्रैक के अंदर रनिंग इवेंट्स आते हैं, स्प्रिंट, मिडिल डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और रिले पैडल। अब स्प्रिंट के अंदर आते हैं 100 मीटर, ठीक है। मिडिल में आते हैं 200, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस नहीं है तो लिख नहीं पा रहा, कोई इशू नहीं है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। स्प्रिंट के अंदर 200 मीटर, ठीक है। मिडल में 200, 400, 800 ऐसे। लॉन्ग डिस्टेंस रेस के अंदर आपके 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर या 10000 मीटर। उसके बाद रिले के अंदर 4 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, और 400 मीटर का पूरा ट्रैक कवर करना होता है, ठीक है। ईच प्लेयर 100 मीटर लेन कवर करना है। हर्डल्स के अंदर 3000 मीटर की स्टीपल चेज, ठीक है, होती है, जिसके अंदर आपके 28 आपके बैरिगेट्स होते हैं और 7 आपकी वाटर पिट्स होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फील्ड इवेंट में, फील्ड इवेंट में भी हमारे पास, हम इसको हाफ कर सकते हैं, जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट के अंदर। जंपिंग इवेंट के अंदर हमारे पास लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और पोल वॉल्ट्स है, ठीक है। पोल वॉल्ट्स वही होता है जो डंडे को लेके भागते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट में हमारे पास शॉर्ट पुट, डिस्टेंस थ्रो, जेवलिन थ्रो और हैमर थ्रो। चलिए, तो आज हम सिर्फ ट्रैक इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेन कितनी की होती है, लेन की डिविजन्स क्या क्या होता है, स्टेज क्या क्या होते हैं, लेन के डायग्राम्स कैसे होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। बार क्या होता है, रिले रेस के अंदर बार होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, सर्कमफ्रांस क्या होता है टोटल, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 400 मीटर का एक ट्रैक है। 400 मीटर में एक कर्व इधर है, दूसरा कर्व इधर है, एक लेन इधर है, एक लेन इधर है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे 100 मीटर रेस इधर तक, ठीक है, 200 मीटर का हाफ कर्व के साथ, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट राउंड हो गया 400 मीटर का, तो ये सब जनरल्स होते हैं। इसी के अंदर जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, बीच में एक राउंड दे रखा है, इसमें ये एक मेजरमेंट दे रखा है हल्का फुल्का कि स्टिपल चेस के अंदर, जैसे ये दे रखा है, ठीक है, स्टिपल चेस के अंदर जैसे ये यहाँ पर हर्डल्स दे रखे, जैसे 5 हर्डल्स,
फोर थर्डल्स, वाटर जंप, ठीक है, स्टिपल चेज, थर्ड हर्डल, ठीक है, ऐसे तरीके से। ये मैं बाद में बता दूंगा आपको कर्व कितने डायग्राम्स का था, आगे चल के हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप वैसे तो अगर आप देखें, ठीक है, अगर आपको एक दिख रहा है एज पर द आई ए एफ रूल्स, ठीक है, इसको बदलने, इसको बदलने मतलब बदल के इसका नाम कर दिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, जो 2009 में इसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया था, ठीक है, और 1978 में इसको इंटरनेशनल अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन बोला जाता है। तो उसी के रूल रेगुलेशन उसके बिहाफ पर ही यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। वैसे तो कॉमन ही होता है, अगर कुछ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं स्पेशली एथलेटिक्स वाले, तो अगर कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो जाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें, नेक्स्ट टाइम आई विल बी रेक्टिफाई, कोशिश करेंगे और अच्छा करने की। तो आइए जान लेते हैं अब एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा जाता है। तो स्टेज पूछी जाती है, ठीक है, कि 400 मीटर की 400 मीटर ट्रैक में, ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी होती है, 80.9390 मीटर, ठीक है। उसके बाद RDR की फुल फॉर्म और CDR की फुल फॉर्म, RDR की फुल फॉर्म होता है रनिंग डिस्टेंस रेडियस, और CDR का होता है कर्व डिस्टेंस रेडियस, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आता कभी भी एग्ज़ाम में, पूछा नहीं जाता। हाँ, अगर UGC के एग्ज़ाम के अंदर फिर भी आपसे एक टाइम पे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि डायगोनल डिस्टेंस कैलकुलेटर या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला पुट होता है 400 मीटर के टाइम में, तो आपको या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिखे हुए होंगे ऑप्शन ए में इतने, ऑप्शन बी में इतना, या आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि टोटल कितना होता है, तो 991.94 मीटर होता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम 91.94 मीटर को हाफ कर देंगे, जैसे कि ना हाफ का पूछ रखा है, तो 55.988 मीटर हाफ आता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, आती नहीं है एग्ज़ाम में, पर पता होना चाहिए, स्पेशली ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए जो एथलेटिक्स में शॉर्ट एनालिसिस करते हैं या फुल एनालिसिस करके आते हैं, कुछ इसको बेसिकली पता होना चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कर सके कि लेन कितनी होती है, कैसी लेन होती है, ठीक है, और कितनी लेन्स का होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आगे बताऊंगा, जैसे ये है, आप ये ट्रैक देख सकते हैं, ठीक है, ये ट्रैक देखिए, ये इसके अंदर एट लेन्स होती है, एट लेन्स, ठीक है, एट लेन्स होती है इसके अंदर, दो कर्व होते हैं, एट लेन्स होती है, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद इस लेन में जो ये वाइट आपको लाइन दिख रही है, वाइट लेन, ठीक है, इसका डायमीटर क्या होता है, तो इसका होता है, ठीक है, इसका डायमीटर होता है 1.22 मीटर, ठीक है, 1.22 मीटर। अब आगे चलते हैं, ठीक है, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ द एट लेंथ ट्रैक लेंथ, ठीक है, कि ट्रैक लेंथ कितनी होती, कैसे होती है, तो विड्थ जो होती है ट्रैक की वो होती है 92.52। एग्जाम पूछा जाता है कि 400 मीटर ट्रैक की विड्थ क्या होती है, ठीक है, या 200 मीटर ट्रैक की विड्थ क्या होती है, तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद एक जो लेन होती है, ठीक है, उसका डायमीटर पूछा जाता है, क्या होता है,
कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। लेंथ कितनी होती है, वृत्त कितनी होती है, ठीक है। ये जो है सो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 400 मीटर ट्रैक आर 8 लेन्स ट्रैक। तो लेंथ कितनी होती है 176.9 मीटर और वृत्त होती है 92.52 मीटर। उसके बाद ये कभी कभार ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है, इस चार्ट से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है ये है 200 मीटर का, ठीक है। 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर रिले, 400 मीटर रिले, 100 मीटर रिले, 800 मीटर रिले। अब जो फुल स्टेज होती है मींस कि ये लाइन है, ये पूरा ट्रैक है, ठीक है, होता है ये पूरा ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी जो भी कर्व होगा, कर्व इन द सेंस ये, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन प्लेयर, टू प्लेयर, थ्री प्लेयर, फोर प्लेयर, फाइव प्लेयर, सिक्स प्लेयर, ठीक है, सेवन प्लेयर, एट प्लेयर, इस टाइप से प्लेयर्स खड़े होते हैं। उसके बाद जब रेस स्टार्ट होती है तो इसी सेम ट्रैक पे ही ये लोग भागते हैं। उसके बाद जैसे ही ये कर्व गया तो उसकी क्या कैलकुलेशन रहेगी, उस कर्व का क्या डायमीटर रहेगा, क्योंकि हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेज होती है। ये जैसे फर्स्ट जो प्लेयर होगा, फर्स्ट प्लेयर, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है, किसी भी इवेंट में, चाहे वो 200 मीटर का हो, चाहे 400 मीटर का हो, चाहे 100 मीटर की रिले हो, या 400 मीटर की रिले हो, या 800 मीटर की, जो फर्स्ट होगा उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, वो जीरो पॉइंट पकड़ा है। उसके बाद अगर मैं 200 मीटर की बात करूँ तो 200 मीटर पे सेकेंड प्लेयर 3.519 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा होगा, सेकेंड 7.352 मीटर, ठीक है। उसके बाद ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर उसमें तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, उसमें 3 point something ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर उसमें 3 point something ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, उसमें 3 point something, आपको ये याद रखना है 3.519 मीटर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसी से आप कैलकुलेट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तीन जोड़े, तीन जोड़े, तीन जोड़े, तीन जोड़े, तीन जोड़े, तीन जोड़े, लास्ट में जो 8 प्लेयर होगा वो होगा 26.516 मीटर पे, ठीक है। ये बताया है मैंने 200 मीटर पे। अब आ जाइए दूसरा, अब 400 मीटर की बात करते हैं हम, ठीक है, ये हो गया मिडल डिस्टेंस रन। अब ये आ जाता है दूसरे पे, ठीक है, ये जो है यहाँ तक मिडल डिस्टेंस रनिंग का दे रखा है, तो उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फुल स्टेज पे, ठीक है, तो ये स्ट्राइकर होता है, मतलब वही लेन कौन कितने कितने डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, तो आ जाता है 7.038। उसके बाद इसी में 7 और जोड़ेंगे 14.704 मीटर, उसमें 7 जोड़ेंगे 2.370 मीटर, उसमें 7 जोड़ेंगे 30.034 मीटर। ऐसे करते करते लास्ट जो 8 प्लेयर होगा, ठीक है, चाहे वो हम 100 मीटर रिले की बात कर रहे हैं या 400 मीटर की बात कर रहे हैं, 53.032 मीटर। ऐसे ही 400 मीटर पे लास्ट, मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई 200 मीटर के ट्रैक पे, ठीक है, थर्ड प्लेयर किस डिस्टेंस पर खड़ा होगा, तो 7.352 मीटर, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप,
ठीक है, एक सेकेंड इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और उसके नोट्स बना ले, ठीक है। ये स्पाइक के बारे में देख रहे हो, जो शूज होते हैं ना, शूज होते हैं हर किसी इवेंट के अलग अलग होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए अलग, मिडिल डिस्टेंस वालों के लिए अलग और स्प्रिंट वालों के लिए अलग। तो एक छोटा सा ये दे रखा है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्प्रिंट एट 9 mm का, ठीक है, एक्सपेक्टेड हाई जंप और जेवलिन थ्रो के लिए 12 mm का, हाई जंप एंड जेवलिन थ्रो का उसमें गट होना चाहिए 4 mm का, ठीक है, सोल एंड हील 13.9 mm मैक्सिमम हाई जंप एंड लॉन्ग जंप के लिए, ठीक है, हील एंड थिकनेस 19.9 mm मैक्सिमम। तो ये सब चीज़ें होती है, अभी तक ये चीज़ पूछी नहीं गई है, बट आप लोगों की जानकारी के लिए होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है, कुछ एग्जामिनर होते हैं जो घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जामिनर होते हैं कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये सब 200 मीटर का ट्रैक, ठीक है, नंबर ऑफ लेन्स। अब ये जो 200 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, इसके बारे में जो लेन नंबर दे रखी है, ठीक है, कि मिनिमम तो 4 लेन होनी चाहिए और मैक्सिमम 6 लेन होनी चाहिए, बनती 8 ही है, बनती 8 है, ठीक है, होगी 8 ही, ट्रैक चेंज नहीं होगा, बट जो लेन पे खड़े होने का तरीका होता है, मिनिमम आप 4 लेन सेलेक्ट कर सकते हो या मैक्सिमम 6 लेन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ट्रैक मार्किंग, ठीक है, ये मैं आपको बाद में कभी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि ट्रैक बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये बहुत जनरल क्वेरी है, बहुत लोगों को नहीं पता, जो हमारे बीपीएड कर रहे हैं वो लोग भी इन चीज़ के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो अलग से एक स्पेशली वीडियो बना दी जाएंगे ट्रैक के लिए कि हाउ टू मेक ट्रैक, ठीक है। अगर किसी को भी पढ़ना हो, ठीक है, कि ये क्या है, तो एक बार आप पढ़ लें, ठीक है, कि इंडोर हडल्स क्या होता है। कभी अगर आपने, जितने भी हमारे एथलेटिक्स वाले हैं उनको तो पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ, इंडोर भी आपकी एथलेटिक्स होती है, ठीक है, इंडोर स्टेडियम्स भी होते हैं, ठीक है, आउटडोर स्टेडियम्स भी होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक्स ट्रैक भी होते हैं, आजकल मॉडुलर ट्रैक्स भी बनने लगे हैं, ठीक है, पहले सीमेंटेड होते थे या और भी काफ़ी सारे, ठीक है, सॉलिड ट्रैक्स भी होते थे, तो ये सब उसके अंडर 18 मेंस में उसकी हाइट क्या होगी हडल की, अंडर 20 मेल्स में हाइट क्या होगी हडल की, क्योंकि हडल की लेंथ के अकॉर्डिंग भी सॉरी हडल की लेंथ के अकॉर्डिंग भी चीज़ें चेंज हो जाती है, पर बेसिकली आपको ये याद रखना है, मेंस मतलब जो स्टैंडर्ड है, मेंस
1.067 मीटर और वुमेन्स अंडर 20, सिर्फ वुमेन्स की हम याद रखें, ठीक है, 0.838 मीटर या 838 मीटर मीटर, ठीक है। उसके बाद ये का कोई वो नहीं है, हाँ ये फर्स्ट हटर का आप याद रख सकते हैं, ठीक है, मेंस के लिए, ठीक है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ उसको, ये जो है ये मेंस के लिए है और 13 मीटर वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो ये मेंस का है 13.72 मीटर और ये फीमेल्स का है 13 मीटर। दोनों हडल के बीच में बीच की जो लेंथ होगी मेंस के लिए होगी 9.14 मीटर और फीमेल्स के लिए होगी 8 मीटर। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी के अंदर ये कॉमन है कि अगर आपसे कोई भी गेम पूछ ले, और बेसिकली एग्जामिनर का फेवरेट जो गेम एंड स्पोर्ट्स है वो सबसे पहले एथलेटिक्स है, ठीक है। कॉम्बिनेशन इवेंट इंडो, ठीक है, पेंटाथलॉन की बात नहीं करेंगे, ये दोनों का अंतर है। हेप्टाथलॉन किसके लिए होता है पहले तो ये देख लो, ठीक है, दो इवेंट होते हैं, ठीक है, मेजर डिकैथलॉन और हेप्टाथलॉन। डिकैथलॉन जो होता है वो होता है मेल्स के लिए और हेप्टाथलॉन होता है ये होता है फीमेल्स के लिए। अब क्वेश्चन पुट क्या होते हैं, हेप्टाथलॉन है क्या, हेप्टाथलॉन फीमेल्स के लिए होते हैं, ठीक है। अब डे वन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, डे टू में कौन कौन से इवेंट, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। डे वन में लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, सेकंड, ठीक है, 60 मीटर हर्डल, पोल वॉल्ट, 100 मीटर, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो बाद में देखेंगे, या मैं बाद में बात करा दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 200 मीटर पे फुल स्ट्राइकर, ठीक है, ये रनिंग, ठीक है, 400 मीटर पे देन फोर टीम्स पार्टिसिपेट इन दैट, ठीक है, डी लेस देन फोर टीम्स और 4x100 मीटर, ये रिले का है, ठीक है, फर्स्ट ब्रेक लाइन लैग, ठीक है, ये सब कमांड्स होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तब आपको ये पता चलेंगी, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है बल्कि, ठीक है। कोई भी प्लेयर आप रेडी कर रहे हैं, एथलेटिक्स की आप टीम बना रहे हैं या वट एवर, जो किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए नहीं, प्रैक्टिकली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आता है उसके बाद 400 मीटर की रिले, उसके लिए पूछा जाता है, ठीक है, आर्ट्स की स्टार्टिंग, फर्स्ट कर्व लेन, ठीक है, 7 1/2 राउंड, उसके बाद आठ स्टार्टिंग लेन, 400 मीटर, 800 मीटर, 5000 मीटर, 10000 मीटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, फर्स्ट थ्री टीम्स इन फर्स्ट एंड फर्स्ट हाफ स्टेज डी, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली आप जब जाएंगे ट्रैक पे तो आपको पता चलेगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था वर्ल्ड एथलेटिक्स आउटडोर वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। अगर जो लोग मेरे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा,
जो लोग नहीं जुड़े हुए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमसे जुड़े रहें, अपडेट रहें, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अपकमिंग जो भी हमारी वीडियोज़ होंगी या उससे जुड़े हुए जो अपडेट्स रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं मेल्स के, फीमेल्स के, जैसे सबको पता है हुसैन बोल्ट 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो 9.58, ठीक है, कहाँ के, जमैका के। उसके बाद ये चेंज हो गया है, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग हो चुका है, बट अभी तक जो इसमें है वो मैंने ये ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद अभी इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग बन चुका है अभी, ठीक है। उसके बाद 200 मीटर पे भी हुसैन बोल्ट ने बनाया है, 400 मीटर के ये हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका के, 800 मीटर के केन्या के, ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये आप याद रखिए, कोई आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। मैराथन का, ठीक है, मैराथन का रिकॉर्ड, हैमर थ्रो का रिकॉर्ड, जैवलिन थ्रो का रिकॉर्ड, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं चेंज हो चुकी है, ठीक है, चीज़ें चेंज हो चुकी है। जैसे अगर मैं बात करूँ जैवलिन थ्रो की, तो जैवलिन थ्रो का ओलंपिक का रिकॉर्ड अभी आपको पता है, ठीक है, 92 पॉइंट समथिंग हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर 98.48 मीटर है जेंस, ठीक है, ठीक है, 1400 को वाक्य गए हैं ये। तो इस तरीके से ही आपको ये रिकॉर्ड्स याद रहना चाहिए। हर्डल की बात कर लेते हैं, हर्डल्स, ठीक है, आज कोशिश करेंगे ट्रैक इवेंट्स को कंप्लीट करने की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फील्ड इवेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेके आएंगे, फील्ड इवेंट के बारे में जानेंगे कि फील्ड इवेंट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। हर्डल्स 100 मीटर मेंस, ठीक है, उसके बाद जूनियर, यूथ, ये चीज़ें याद रखने के लिए स्टैंडर्डाइज आपको ये याद रखना है कि 100 मीटर मेल में 110 मीटर मेंस हर्डल में हाइट हर्डल की क्या होती है। तो ये स्टैंडर्ड जो ये मैं बल्कि हाईलाइट कर देता हूँ, जो ये स्टैंडर्ड है, जैसे ये है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ हाइट्स हैं 1.067 मीटर मेल्स में, और 0.762, ये याद रखिएगा, 762 मीटर वुमेन्स में, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्टिंग कॉमन होती है, डिस्टेंस बिटवीन हर्डल के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फिनिशिंग लाइन का एक बार आया हुआ था DSSB में, पूछा भी गया था, अभी का नहीं, काफ़ी पुराना है वो एग्ज़ाम, ठीक है, आई थिंक 2015 की बात है, ठीक है, क्योंकि हम PYSQ करते हैं तो उसमें पता चलता है, देखते हैं तो उसमें पता होगा। तो 14.02 मीटर मेल्स में, और फीमेल्स का होता है 40 पॉइंट मीटर। ये होता है हर्डल्स, ठीक है, ये हर्डल्स होते हैं। हर्डल का अगर मेजरमेंट की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कलर तो कोई भी हो सकता है, वाइट, ब्लैक, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब बात कर लेते हैं इसकी, हर्डल की। तो हर्डल की जो ब्रेथ होती है वो 1.18 मीटर मिनिमम, और मैक्सिमम 1.20 मीटर मैक्सिमम। उसके बाद लेंथ, ठीक है, ये नहीं लेंथ, टॉप बार, ठीक है, टॉप बार, ये जो ये टॉप बार होता है, ये होता है 70 मीटर का, ठीक है। बेस जो होता है, ठीक है, बेस, ये जो नीचे खड़ा होता है ना,
ये, ठीक है, तो इसके जो होता है ये 0.70 मीटर, दोनों का 70-70 मीटर याद रखना, एक का मीटर है एक का एमएम है, ठीक है। थिकनेस कितनी होती है, ठीक है, जो थिकनेस होती है टॉप बार की जो थिकनेस होती है ये, ठीक है, टॉप बार की जो थिकनेस होती है, ठीक है, तो वो होती है 10 mm से लेके 25 mm तक, ठीक है। टॉप बार की शेप जो होती है राउंडेड होती है, ठीक है। टोटल वेट जो होता है, ठीक है, 10 kg का, ठीक है, याद रखना 10 किलो का होता है, ठीक है। उसके बाद मार्क 10 cm और विथ 5, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेंट कलर वाइट एंड ब्लैक इसमें है, वैसे वाइट एंड ब्लू भी होते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं, रेड भी होता है, ये नहीं याद रखने की चीज़, ठीक है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वही आपको बताया जाएगा कट टू कट। रिले की हम बात करते हैं, रिले की बार, ठीक है, सबसे मेन चीज़, ठीक है, क्योंकि बार लेके ही आप भागते हैं, आपका प्लेयर आपको बार प्रेस करता है, फिर वो लेके आप भागते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये पकड़ाया, दूसरे ने इस तरीके से ग्रिप करके रखते हैं, रेडी रहते हैं, जैसे ही वो आया देन स्टार्ट, ठीक है। तो बार, बार के बारे में जान लेते हैं, उसका किस किस में यूज़ होता है। रिले में होता है 4x100 meter में, 4x400 meter के अंदर, ठीक है। लेंथ कितनी होती है बार की, लेंथ ये बार की लेंथ कितनी होती है, तो पॉइंट याद मत रखना, बस 28 mm और 30 mm याद रखना। सरकमफ्रांस क्या होता है बार का, 40 mm, ठीक है, 40 mm। उसके बाद बार का वेट तो 50 g, ठीक है। एक्सेलरेशन जोन 5 m, एक्सेलरेशन जोन 5 m। अब हर किसी का अलग अलग एक्सेलरेशन जोन है, ठीक है। आप लॉन्ग जंप हाई जंप में भी देखेंगे तो उसमें अलग आएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है। वैसे 10 m इसमें दे रखा है, बट एक्सेलरेशन जोन, ठीक है, को टोटल करके एक 20 m का जो गैप है उसको भी एक्सेलरेशन जोन में ऐड करके 30 m कर दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन जोन की मार्क 5 mm एंड 60 cm, ठीक है। ईच टेक ओवर जोन 20 m, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये देख लो। ऐसा होता है स्टिपल चेस, वाटर पिट्स, ठीक है, पानी के गड्ढे और हर्डल, ठीक है। कितने कितने मीटर की होती है, 200 m और 200 m का, 2000 m और 3000 m। अब मुझे ये बताइए इस इवेंट के बारे में कुछ खास बात। 3000 m स्टीपल चेस के अंदर हमारी माननीय जो भी प्रेजेंट की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेजिडेंट है श्रीमती पीटी उषा, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, एशियन क्वीन कह लीजिए, ठीक है, या काफ़ी उनके नाम हैं, ठीक है, तो उनका इसमें एशिया मेडलिस्ट हैं वो, ठीक है। तो ये ख़ास जो चीज़ है याद रखने की है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 3000 m में, ये याद रख लेना, 28 hurdles होते हैं, 28 hurdles और 7 water jumps, ठीक है, पानी के गड्ढे, ठीक है। उसके बाद 200 m के अंदर 2000 m में याद रख लीजिएगा 28 और 5 hurdles होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है।
जजेस पूछी जाएगी वो मार्क कर देंगे हम आपके लिए। ओके ये हो गया स्किप परचेज हटा दिया। एक बार आप इसको रीड आउट कर लेंगे ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो इसको एक बार देख लीजिएगा ठीक है। सीनियर अंडर 9 अंडर 20 मेल्स के लिए ये होती है हाइट ठीक है, वुमेन्स के लिए ये होती है ब्रेथ कितनी होती है, वेट कितना होता है, बार कितना होता है, ये सब आप चीज़ जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे ठीक है, आप थियोरटिकल जितना मर्जी पढ़ लें पॉइंट समथिंग कभी याद नहीं होता ठीक है। तो आपको खाली इसको देखना है और एक बार प्रैक्टिकली आप कभी स्टेडियम जाइए, आपके नियर स्टेडियम हो कहीं दूर हो जाइए देखिए प्रैक्टिकली आप ठीक है। जो लोग पीपीएड के अंदर है या एमपीएड के अंदर है वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं ठीक है, तो प्रैक्टिकली उनको ये सब चीज़ करने का एक्सपीरियंस मिलता है ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे रैप अप करते हैं ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फील्ड के बारे में जानेंगे, फील्ड इवेंट के बारे में ठीक है, कि कैसे फील्ड इवेंट होते हैं, जंपिंग इवेंट कौन से होते हैं और थ्रोइंग इवेंट कौन कौन से होते हैं। तो मिलते हैं, स्टे फिट स्टे हेल्दी, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद पार्ट टू में जुड़ना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें ठीक है। चैनल पर नए हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकेंड, अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इसको शेयर करें 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, आपके जो कॉलेज के हैं ग्रुप्स हैं वो, या आपके जो स्टूडेंट्स हैं, या खुद आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसको शेयर कर सकते हैं ठीक है। अगर कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हैं या आपको लगता है कि इसमें ऐड ऑन करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आपके अच्छे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और इस चीज़ को आप शेयर ज़रूर करें ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।